आज जुर्म बेनकाब में देखिए। ख्वाजा सर के साथ प्यार करता था इसलिए उसको मारा कासिम को। कब हुआ तुम्हें ये प्यार उसे? बता रहा हूँ, 6 माह। एक नौजवान को मार डाला तुमने एक ख्वाजा सरा के चक्रों में। हॉलैंड में जो है वो शादी की हुई थी और उसने अपनी बीवी को छोड़कर इधर आया इस वाली की ख्वाजा सरा की खातर। इनका जो लिबास होता है वो इंतहाई गंदा है। न्यू जनरेशन है वो सब इन पे आशिक हो जाते हैं, गंदी हरकतें होती हैं। ये खुफिया सेल बना हुआ 16 साल 20 साल की उम्र के जो नौजवान है वो यहाँ पे आते थे, वो प्यार की बात करता है। वाली उसको प्रेशर कर रहा था। दोनों जुनूनी में सब दोस्ती करते थे, वो तो दोनों में से प्यार करते थे। हमारा तो कारोबार, हमारे पास तो हजारों पागल है, हमारा तो ये बिजनेस है। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा मुहिमा था और लाइन मर्डर था, बहुत बड़ा चैलेंज था। विद इन फ्यू आवर्स पुलिस जो है असल कातिलों तक पहुंच। ख्वाजा सरा जहां हमारे मुआशरे में मजलूम तबका है, वहीं पर इन्हीं ख्वाजा सराओं के रूप में चंद अनासर हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। बुरी सोहबत का शिकार नौजवान बाज़ुकात इन्हीं ख्वाजा सराओं के हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। ऐसे ख्वाजा सरा नाच गाने के साथ साथ जिस्म फरोशी जैसे मकरूह धंधे में भी मुलव्वस होते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और छोटे बड़े शहरों में न जाने इन्हीं ख्वाजा सराओं के रूप में ये खतरनाक अनासर फहाशी के अड्डे चला रहे हैं, जहां पर नाच गाने के साथ साथ जिस्म फरोशी भी की जाती है और इन अड्डों पर जाने वाले ज्यादातर अफराद की तादाद नौजवानों की होती है, जिन्हें ये बाजारों में गैर अखलाकी हरकत करके और फहश कपड़े पहनकर अपनी तरफ रागब कर लेते हैं और उन्हें अपने चुंगल में फंसाते हैं। ऐसे ख्वाजा सराओं की सोहबत में गिरफ्तार नौजवान एड्स जैसी मोहलिक बीमारियों में भी मुब्तला हो जाते हैं। और तो और बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हैं जो इन्हीं ख्वाजा सराओं की अदाओं पर फिदा होकर उनसे प्यार कर बैठते हैं और उनके दीवाने हो जाते हैं। क्या कोई किसी ख्वाजा सरा की मोहब्बत में इस हद तक जा सकता है कि वो अपनी जान देने और किसी की जान लेने से भी गुरेज ना करे? जी हाँ, एक ऐसा ही वाकया पेश आया खारिया के इलाके में, जहाँ पर दो खूबरू नौजवान एक ख्वाजा सरा की मोहब्बत में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और फिर हुआ ख्वाजा सरा से मोहब्बत का एक भयानक अंजाम। ख्वाजा सरा के प्यार में पागल एक नौजवान ने इसी ख्वाजा सरा की खातिर एक और नौजवान को गोलियों से छलनी कर दिया। इस केस के मजीद हकायक से पर्दा उठाने के लिए टीम जुर्म बेनकाब ने रुख किया खारिया का और बात की मक्तूल कासिम के वालिद से। मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं उधर एक आदमी मेरा दोस्त उसके पास खड़ा हो गया तो वो निकल आया। अच्छा, आप इकट्ठे दुकान पे थे दोनों? और इकट्ठे ही निकल देते? अच्छा, तो आप वो अब रुक गए और वो थोड़ा सा आगे चला गया। जब मैं उधर का आदमी है कि मेरा दोस्त है उसके पास खड़ा हो गया, इतनी देर में दो लड़के मोटरसाइकिल से गुजरे मेरे पास। वो आपके पास से गुजरे थे? मेरे पास से गुजरे, मैं उधर ही खड़ा था जैम पे का तंदूर उधर एक रोटी वाला उसके पास। तो देखे दो लड़के गुजरे, वो एक लड़का तो खा रही गया था मैं देखा जो, तो गुजर गया बस। उसके बाद मैं फारग हो गया हूँ तो एक लड़का वापसी में देखा तो एक लड़का जा रहा था, मैंने कहा बड़ी स्वीट में जा रहा खैर, मुझे पता ही नहीं एक गुजर गया। मुझे कुछ शक पड़ा, आगे गया तो आदमी कह रहे को फायरिंग हुई है, वो फायरिंग कर के लड़के पास आगे गया तो एक लड़का मुझे कहता वो कासिम को फायर लगा है। जो लड़के ने मारा ना उसको, वो मना करता था, वो कोई लड़का इधर बाली बाली नाम है उसका, उससे मना यार उससे ना हो वैसे उससे ना मिला कोई आदमी नहीं, बस उसको बार बार मना करता यार उसको, वो गुस्सा था या फिर बाली को उसने बताया या बाली उसको प्रेशर कर रहा था। उसके वो कहने पे उसने ये किया, कोई समझ नहीं आ रही। बाली का आपको पता है ना, वो ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा है मेरे। जी आप गुलैंड रोड पर ही रहते हैं तो काफ़ी वो इस इलाके में पॉपुलर भी है बाली जो है। जी जी पॉपुलर। ये नाजरें, जैसा कि कासिम के वालिद साहब हैं उन्होंने भी बता दिया कि वजह जो इनको लोगों से पता चली है कि वो मना करता था उस लड़के को कि उस ख्वाजा सरा से बाली से ना मिला जाए, वो उसी तैश में आके उसने या तो खुद से ये काम किया या फिर उन्होंने यहाँ पे बाली के कहने के भैया प्रेशर पे आके उसे किया उसको, तो उसने किया। आपको कुछ आइडिया था कि उसके बाली से दोस्ती थी आपके बेटे की थोड़ा बहुत?
वो पता है कि मेरे पास एक एवरी गाड़ी है ना, तो वो अक्सर गाड़ी लेके जाते हैं रात को फंक्शन, 5-6 आदमी जाते हैं, तो वो लड़का एक आड़े मल्ले का ड्राइवर है, नईम नाम है, उसको देते थे बस, वो जितने पैसे 500 ड्राइवर को देगा बकाया में 1500 दे देते थे, बस इससे ज्यादा मारे को वही उसकी जान पहचान होगी। मक्तूल कासिम हाजसरा बाली की मोहब्बत में जुनून की हद तक गिरफ्तार हो चुका था, शायद इसलिए वो हॉलैंड में अपनी पहली बीवी को तलाक देकर वापस पाकिस्तान आ गया, लेकिन तब तक बाली किसी और को अपनी मोहब्बत के जाल में फंस चुका था और यही वजह बनी कासिम की मौत की। गया था बिरूने मुल्क भी एक दफा बस, फिर वापस आ गया, गया था, शादी पिछले साल उसकी हुई 23 नवम्बर को, अभी 1 साल 1 महीना हुआ, बच्ची भी अल्लाह ने उसको दी है, वो तो अभी 17 अगस्त को ही है। अब यहाँ पर ये जो लड़का है, कभी उसको आपने पहले दुकान पे देखा जो आता था जिसने फायरिंग की है, या कभी इस तरह का मामला? बाजार में बच्ची खिलौने बेचता है लड़का, सारा दिन आते जाते देखते रहते, इधर ही होता है, मैंने उसको जाते मोटरसाइकिल में भी देखा है, वापसी पे वो अकेला चलाने वाला था, वो पीछे नहीं था जिसने फायरिंग की, बाद में पता चला वो फायरिंग करके वो पिछली गली से कहीं बाहर निकल गया, फायर उसी खिलौने में उसने किया। ख्वाजा सराओं के रूप में ऐसे अनासर जो के ख्वाजा सराओं को भी बदनाम करते हैं और अपने गैर अखलाकी कारोबार भी चलाते हैं और नौजवान की मोहब्बत में इस हद तक चले जाते हैं कि उन्हें किसी तरह के बुरे नतीजे का भी ख्याल नहीं रहता। ख्वाजा सरा की मोहब्बत में कासिम को कत्ल करने वाला वलीद कोई आम इंसान नहीं था, क्योंकि जिस महारत और बेदर्दी से उसने कासिम को फायरिंग करके कत्ल किया, इससे मालूम होता था कि हथियार चलाने में वो माहिर है और कोई टारगेट किलर है। वलीद से मुतालिक मक्तूल कासिम के वालिद ने हैरान कुन इंकशाफ किया, तो नाम उसने अपना बिगाड़ा हुआ वलीद गोली के लिखा हुआ है नेट पे, उसे गोली, अच्छा इसके तरह का नाम लिखा हुआ। अब नाम देखें जी उसका, वलीद गोली के नाम से उसने अपना नाम रखा और काम भी उसने वही किया है जो टारगेट किलर जो करते हैं। वालदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें कि कहीं वो गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वज़ तो नहीं हो रहे, जैसा कि नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करने वाले बाली जैसे ख्वाजा सराओं में गिरफ्तार अक्सर लोग हो जाते हैं, क्योंकि ख्वाजा सरा बाली के इश्क में पागल कासिम और वलीद एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे और अंजाम कासिम की मौत और वलीद की गिरफ्तारी पर हुआ। कासिम और ख्वाजा सरा बाली के ताल्लुकात के बारे में उसके घर वालों को मालूम तक न था, जिसका इंकशाफ कासिम के चचा और ससुर ने किया। वो जुल्म हुआ हमारे साथ जिसकी हम तो भी नहीं कर सकते थे, बच्चे की किसी के साथ कोई दावत भी नहीं थी, उसके मर्डर के बाद ही ये सब कुछ खुला है। पहले किसी को कुछ पता नहीं था? पहले हमें कुछ नहीं पता था, ये उस लड़के को मना करता था कि हमें कौन सा इसके लिए लड़ने की जरूरत है, वो बाली लड़जू बाली से रहा। तो हम शायद आ रहे हैं ऐसा के उसने समझाया, उसके बाद जो है उनके ऊपर यही पता लगा इसने ये काम किया है वलीद ने। तो जाहिर बात है फिर किसके कसाने पर किया है, उसी के कसाने पर ही किया है। किसके? उसके बाली के वो तो किस चक्कर ही को नहीं था। बिल्कुल सही। तो इतना जुल्म हुआ हमारे साथ, तो मैं तो यही फील करूँगा इंसाफ चाहिए। ख्वाजा सरा के साथ प्यार करता था इसलिए उसको मारा कासिम। हॉलैंड में जो है वो शादी की हुई थी और उसने अपनी बीवी को छोड़कर इधर आया बाली की ख्वाजा सरा की खातर। 16 साल 20 साल की उम्र के जो नौजवान है वो यहाँ पे आते थे। न्यू जनरेशन है वो सब इन पे आशिक हो जाते हैं, गंदी हरकतें होती हैं। बाली उसको प्रेशर कर रहा था, दोनों जुनूनी में साथ दोस्ती करते थे, वो दोनों में से प्यार करते थे। हमारा तो कार पर हमारे पास तो हजारों पागल नादरन आप देख सकते हैं जी, ये डेरा है जी, अभी हम अंदर जाके दिखाएंगे आपको। इस तरह के डेरों में जो नाजायज किस्म के काम होते हैं, जो गलत काम होते हैं, उसका अंजाम ऐसा ही है जो कि अब आपने देख लिया कि एक नौजवान लड़के ने दूसरे नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अच्छा बाली के बारे में बताओ थोड़ा सा कि इस बाली के हवाले से इलाके में क्या मशहूर है?
جی بالی کے حوالے میں تو علاقے میں یہ مشہور ہے کہ بالی جو رات کو جو ہے وہ تیار شیار ہو کے باہر کی طرف نکلتا ہے تو ظاہر ہے پھر اسی طرح کے نوجوان جو ہے وہ تلاش کرتا ہے. اگر قاسم کی بات کی جائے تو ہائی لینڈ میں جو ہے وہ قاسم نے ہائی لینڈ میں جو ہے وہ شادی کی ہوئی تھی اور اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر ادا کی خاطر اس نے اور اس کا دوسرا رقیب جو ہے وہ ولید جو تھا اس کو کس طرح وہ دونوں آپس میں برداشت کرتے ان کی آپس میں چپلس ہوئی اور چپلس کرنے کے بعد جو ہے ولید نے اس کو اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا. اب جو علاقہ کے لوگ ہیں یہ بھی پریشان ہیں اس چیز کو سوچ کر کہ یہ جو خواجہ سرا ہے کچھ تو لوگ جو ہیں وہ ڈانس کرتے ہیں یہ خواجہ سرا چلو وہ جو تو جو جو ہم سبھی کو غلط نہیں کہہ رہے لیکن اس طرح کے جو ڈھیروں میں جو غلط کام ہوتے ہیں اس طرح کے جو خواجہ سرا ہیں ڈیفینیٹلی ان کی ان سے بچنا بھی چاہیے اور ان کو روکنا بھی چاہیے. ناظرین یہ ہے جی وہ خواجہ سرا بالی کا ڈیرا جہاں پر قاسم بقول کچھ علاقے کے لوگوں کے یا وہ جو نوجوان جو ہیں وہ آتے ہیں اور ایسے ڈیروں پر اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں. ہمیں یہاں آتے ہوئے بھی ذرا بڑا ایک حیرت ہو رہی ہے جی کہ اتنا خفیہ سا اس نے یہ ڈیرا بنایا ہوا تھا اور اس ڈیرے میں کیا کچھ ہوتا ہوگا. کچھ تالے لگے ہوئے ہیں یہاں پر, ایک یہاں پر کمرہ ہے, ایک اوپر سیٹ اپ ہے. ہمارے جو کھاریاں میں ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں, ہمارے رپورٹر ہیں جو لوکل ہیں یہاں پر, تو ان سے پوچھتے ہیں جی کہ یہ بالی کے ڈیرے کی کیا حقیقت ہے. یہ جو خواجہ سرا بالی ہے اس کے ڈیرے کی حقیقت آپ کو بتائیں گے ہمارے یہاں کے جو مقامی رپورٹر ہیں. جی کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ یہ جو خواجہ سرا ہیں یہ اکثر رات کے اوقات میں بڑے فاشہ قسم کے ڈریس پہن کے اس طرح نوجوانوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے اپنی طرف, تو یہاں سے نکلتے تھے اور یہاں پہ جو ہے یہ ڈیرا آپ نے دیکھ لیا ہے, ایک جو ہے وہ بیڈ ادھر لگا ہوا ہے. یہ خفیہ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھ لیں کہ یہ سیل بنا ہوا ہے. یہاں پہ دیکھا کہ ٹین ایجر نوجوان بھی نہیں, ٹین ایجر جو 16 سال 20 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ آتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تو پیار کی بات کرتا ہے نا. وہ واقعی بات ایسی ہے کہ جو ہے وہ میرے ذرائع یہ بتاتا ہے کہ یہ دو جو نوجوان ہیں ولید اور قاسم, قاتل اور مقتول, ان کا 2-4 دن پہلے اسی کے سامنے جھگڑا ہوا ہے. اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس نے بالین سے بولا ہے ولید کو کہ قاسم سے میری جان چھڑاؤ اور اس نے وہ جان چھڑوا دی. خواجہ سرا بالی نے کھاریے میں فحاشی کا ایک اڈا بنا رکھا تھا جہاں قاسم اور ولید جیسے نوجوان آتے اور بے راہ روی کا شکار ہو کر غیر اخلاقی کام کرتے. جب ٹیم جرم بینقاب نے خواجہ سرا بالی کے اڈے کے پاس رہنے والے ایک محلے دار سے بات کی تو اس نے بالی کے اس اڈے پر کیا کیا ہوتا تھا اور نوجوانوں کو کس طرح سے اپنی طرف راغب کیا جاتا تھا اس حوالے سے حیران کن انکشافات کیے. ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ انتہائی گندا ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مذہب میں اس طرح کا لباس پہننا سخت ممانعت ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو یہ جو لباس پہن کے جاتے ہیں تو جو نیو جنریشن ہے جن کو علم نہیں کہ ان سے کیا کیا بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں وہ سب ان پہ عاشق ہو جاتے ہیں اور گندی سوسائٹی بنتی ہے, گندی حرکتیں ہوتی ہیں. جو اچھا بالی کے بارے میں بتائیں, وہ بھی ایسے ہی کپڑے پہن کے نکلتا باہر رات کو؟ سب ایک جیسے ہی ہیں, کوئی بھی تالاب میں خشک نہیں ہے, ایک جیسے لباس, ایک جیسی حرکتیں, کچھ ایسی چیزیں جو نہیں بتائی جا سکتی اس وقت. تو یہ جو بالی ہے یہ اس علاقے میں کہاں کتنے عرصے سے رہ رہا تھا؟ آپ کے اس ایریا میں کافی فیمس ہے وہ. 4-5 سال سے یہاں دیکھ رہے ہیں اس کو. 4-5 سال سے جی. تو وہ جب ہمیں یہ کچھ لوگوں نے بتایا, ہمارے لوکل جو لوگوں سے بات بھی ہوئی انہوں نے بتایا جی کہ یہ بڑا بہت زیادہ جیسے آپ بتا رہے ہیں غیر اخلاقی لباس میں پہن کے یہ باہر نکلا کرتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لوگ گردن موڑ موڑ کے دیکھتے تھے یہ کیا ہے, میل ہے فیمیل ہے, لیکن کچھ لوگ اندر ہی اندر لان تان کرتے ہیں, کچھ لوگ دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں. اس ڈیر میں کتنے عرصے سے رہ رہا تھا وہ؟ یہاں تقریباً 2 سال سے ہے. اس سے پہلے دوسرے مکان میں جو لڑکا قتل ہوا ہے اس کی دکان کے نزدیک رہتا تھا اور وہیں سے اس کی دوستی ہوئی اس سے. اچھا, تو وہیں سے اس کا کنٹیکٹ تھا اور وہ کنٹیکٹ کنٹینیو چل رہا تھا. سنتے آئے ہیں پیار تو اندھا ہوتا ہے, لیکن کیا کوئی خواجہ سرا کے پیار میں بھی اس حد تک اندھا ہو سکتا ہے کہ اسے کسی انجام کی فکر نہ رہے؟ خواجہ سرا بالی کی جنونی محبت میں جوان سالہ قاسم جان کی بازی ہار چکا تھا اور ولید اس کے قتل کے جرم میں اپنی زندگی برباد کر چکا تھا, لیکن کوئی غیر فطری محبت میں ایسے کیسے اندھا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہ کرے؟ ایسے ہی بے شمار سوالات کا جواب جاننے کے لیے ٹیم جرم بینقاب نے رخ کیا تھانہ صدر
भिखारियों का और बात की ख्वाजा सरा बाली के जुनूनी आशिक और कासिम के कातिल वलीद से। ये बताओ क्या सारा माजरा है, क्यों तुमने मारा उसे, उस कासिम नामी लड़के को? कासिम के साथ मेरा एक दफ़ा मुलाकात हुई थी। और कहाँ मुलाकात हुई थी इसकी तुम्हारी? वो ख्वाजा सरा के डेरे पे ही हुई थी। कितने अरसे से ख्वाजा सरा के डेरे पे जा रहे हो तुम? 6 माह से। अच्छा, क्यों जाते थे तुम इस ख्वाजा सरा के डेरे पे? बस दोस्त था इसलिए। अच्छा, फिर? फिर उधर ही मुलाकात हुई थी कासिम के साथ। कासिम ने मुझे धमकी लगाई थी और उसने कॉल की थी फिर मुझे। धमकी किस बात की, झगड़ा क्यों हुआ? आपने उसके साथ मिलना नहीं है। किसके साथ नहीं मिलना? बिलाल के साथ। आप बाली जो है? हाँ जी, उसके साथ। अच्छा। आपने मिलना नहीं है और उसके डेरे पे भी नहीं आपने जाना। तो उसके अगले दिन फिर उसने मुझे कॉल की थी। अगर उसके डेरे पे ये पहले ये बताओ, तुम सारी बात बताओ, बाली की और कासिम की पहले दोस्ती थी, जब तुम्हारी दोस्ती नहीं, बाली कासिम जब चला गया बाहर उसके बाद तुम्हारी दोस्ती हुई इसके साथ? नहीं, 6 माह ही हुई है मेरी दोस्ती को, उसकी दोस्ती को पता नहीं कितने अरसा हो गए। अच्छा, वो भी मुझे पता नहीं। वो मना करता था तुम्हें कि तुम दोस्ती ना रखो और तुम मना करते थे उसको कि वो बाली ख्वाजा से रखा था दोस्ती ना रखे। तुम दोनों की ये लड़ाई थी? हाँ जी, हमारी दोनों की यही लड़ाई थी। उसके बाद कासिम ने मुझे वार्निंग दी थी उसके साथ, अभी नहीं मिलना है, मैं आपको देख लूँगा, अगर आपने उधर जाना है तो फिर मैं आपको देख लूँगा, धमकी लगाई थी ना। तो फिर बस यही बात हुई है कत्ल। नहीं, फिर क्या मतलब इतनी बड़ी बात इस धमकी पे, यानी कि उसने मना किया था कि जी इस ख्वाजा सरा बाली को ना मिलो, ऐसा ही है? हाँ जी। हाँ, हाँ जी। ऊंचा बोलो, तुम्हारी जो फायरिंग की तस्वीर फुटेज है जो स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं, तुम्हें देख के लग रहा है तुम टारगेट किलर हो? इतनी वेल ट्रेन तुमने उधर फायरिंग की है, उसको मौके पे तुमने इसको 4 गोलियां मार दी। अब तुमसे बात नहीं हो रही है? क्यों नहीं बात हो रही मेरी? है बस। नहीं, बात क्यों नहीं हो रही तुमसे? जो भी हो गया बस। उसको अच्छा हुआ काम, एक नौजवान को मार डाला तुमने एक ख्वाजा सरा के चक्करों में। अच्छा, खुद भी अच्छे खासे तुम नौजवान हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम अपने इस प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के जरिए से हम यही पैगाम देना चाहेंगे अपने इस मुल्क के नौजवानों को, जो ऐसे चंद बेवकूफ किस्म के नौजवान है जो इन चक्करों में पड़ जाते हैं। अच्छा खासा ये लड़का अपनी जिंदगी भी बर्बाद की इसने, और अपने खानदान वालों की भी, और एक लड़के की जान भी ले ली सिर्फ एक ख्वाजा सरा की दोस्ती के चक्कर में, उसके साथ प्यार मोहब्बत के चक्करों में। खुदारा हमारे जो नौजवान है जो इस तरह के ढेरों पर जाते हैं, और इस तरह के ढेरों पर जो गलत हरकत होती है जिनकी वजह से ये इस लेवल पर आ जाते हैं कि इस शख्स ने महज इसलिए उस लड़के को गोलियां मार के मार डाला कि उसने मना किया था जी इस ख्वाजा सरा को नहीं मिलो, तो छोड़ देते ना मिलते तुम उसे। उसने भी मुझे भी मार देना था अगर नहीं मैं उसके साथ करता। नहीं, उसने तुम्हें मार देना था, तुमने उसे मार देना था, वजह क्या थी बीच में? वजह यही थी बस, ख्वाजा सरा की वजह थी। हां, ख्वाजा सरा की सिर्फ वजह थी कि उसको ना मिलो। तो दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। उसने मुझे मार देनी थी गोली अगर मैं उसको नहीं मारता। नहीं तो तुम छोड़ देते, तुम इसको छोड़ देते? मैं बंदा मारना मंजूर था तुम लोगों को, उसको मरना मंजूर था। किसके लिए? एक ख्वाजा सरा के लिए, उसकी दोस्ती के लिए। ख्वाजा सरा के साथ प्यार करता था इसलिए उसको मारा कासिम। हॉलैंड में जो है वो शादी की हुई थी, और उसने अपनी बीवी को छोड़कर इधर आया बाली की ख्वाजा सरा की खातर। 16 साल 20 साल की उम्र के जो नौजवान है वो यहाँ पे आते थे। न्यू जनरेशन है वो सब इन पे आशिक हो जाते हैं, गंदी हरकतें होती हैं। बाली उसको प्रेशर कर रहा था, दोनों जुनूनी में सब दोस्ती करते थे, वो दोनों में से प्यार करते थे। हमारा तो कार पर हमारे पास तो हजारों पागल है। ख्वाजा सरा बाली की मोहब्बत में अंधा होकर इस जुनूनी आशिक ने कासिम को तो कत्ल कर दिया, लेकिन कानून की गिरफ्त में आकर अब उसके सर से ख्वाजा सरा का इश्क उतर चुका था। इस जुनूनी आशिक की बाली से दोस्ती कैसे हुई और कासिम से दुश्मनी कैसे भड़ी, उसने मजीद हैरान कुन इंकशाफात किए। वो मेरे पास आता था बाजार चीजें लेने के लिए। अच्छा, इस वजह से। तुम्हारे पास बाजार में क्या, तुम्हारी दुकान है कोई? दुकान है। तो उसके डेरे पर जाना तुमने कब शुरू किया? उसी ने फोन करके बुलाना शुरू किया। तो कितना अरसा ये मिलने का जो है तुम लोगों का ये सिलसिला जारी रहा? 6 माह तक कासिम ने तुम्हें मना नहीं किया? नहीं, उसको पता ही नहीं था। वो कहाँ पे था? वो इधर ही था, उसको पता ही नहीं था। अच्छा, उसको पता नहीं था, कब पता चला कासिम को? फिर उसने कॉल रिकॉर्ड पकड़े थे और उसको बात करते हुए देखा था इसलिए। अच्छा, उसे पता चला। वो तशद्दुद का निशाना बनाता था ख्वाजा सरा बाली को, मारता था वो? हाँ जी। क्यों मारता था वो बाली को? वो मेरे साथ क्यों बात करते हो आप? अच्छा, वो चाहता था सिर्फ तुम दोनों, यानी कि ख्वाजा सरा की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, ऐसा ही है? हाँ।
ख्वाजा सराय के साथ प्यार करता था इसलिए उसे मारा कासिम। तुम्हें इससे पहले बाली ने ये बताया था जी कि मुझे रोज मारता है, मेरे पे तशद्दुद करता है, मेरी जान छुड़वाओ उससे? नहीं, इससे पहले ये नहीं था उसने बताया। क्या कहा था उसने? बताया था उसने, मुझे तो पता ही नहीं। उसने क्या बताया था तुम्हें? उसने ये बताया था मुझे मारता है, तशद्दुद करता है मेरे साथ। फिर मैं तो इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ। बस गलती हो गई इस लफ्ज से यकीन मानिए, गलती होगी। इतना जिस भी मुलजम से हम बात करते हैं, जितना मर्जी सफाक मुलजम हो, बंदा मार दिया, कत्ल कर दिया, एंड पे जी बस गलती हो गई। वजह क्या थी जी? ख्वाजा सरा की मोहब्बत में गिरफ्तार था ये नौजवान, और ये जो शख्स खड़ा है ये इसका सहूलतकार है। ऐसे लोग भी होते हैं जो बजाय दोस्तों को समझाने के उनके सहूलतकार बन जाते हैं। तुम ही समझा देते, तुम तो उम्र में बड़े थे से। तुमने क्या था इसे? मैंने फायर मारना उसको। हाँ जी, मैंने बोला था फायर मारना। इसको पता था? हाँ जी। ये फिर भी क्या तुम्हारे साथ? जी क्यों गए? मैंने आपको बताया कि भाई जान क्यों गए तुम? सर बस गलती, ऐसी गलती होगी। फिर वही बात, मसला सिर्फ ये है नाजरीन, ऐसे दोस्तों से भी बचें, ऐसे जानने वालों से भी बचें जो आपको गलत काम से रोक नहीं रहे बल्कि आपका साथ दे रहे हैं। हाँ जी कोई गाल नहीं, बंदा मारना है, चलो जी मैं चलता हूँ जाके मार। क्या वजह जी? अच्छा, ख्वाजा सरा की मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो बंदा उसको कत्ल करना है जी? करते हैं, अब शर्मिंदगी हो रही है इसको। एक ख्वाजा सरा की मोहब्बत में दो घरानों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। इसमें कसूर इस अकेले ख्वाजा सरा का नहीं बल्कि इन दोनों नौजवानों का भी था जो ऐसी सोहबत का शिकार हो गए और ख्वाजा सरा बाली को जुनून की हद तक मोहब्बत करने लगे। ख्वाजा सरा बाली की बातों में आकर ये नौजवान बेराह रवि पर गामजन होने के साथ साथ गुनाह की उस मंजिल तक पहुंच चुका था जहां से वापसी नामुमकिन थी। और जिस तरीके से उसने कासिम को कत्ल किया, इससे लगता था कि ये कोई माहिर शूटर है। टीम जुर्म बेनकाब से बात करते हुए जुनूनी आशिक ने कासिम को कत्ल करने के प्लान के हवाले से होश रुबा इनके शफात किए। बस यही मैंने बोला था, शाम को एक लड़के को उड़ाना। क्या बोला था? शाम को एक लड़के को मारना है। इसने क्या कहा? इसने बोला चलो ठीक है हो जाएगा, साथ में आपके चल जाऊंगा। ये जी आजकल के हमारे ड्रामे फिल्में जो देख देख के दिमाग खराब, एक लड़के को उड़ाना है और उड़ाया भी उसने उसी फिल्मी अंदाज। तुम बात आज समझाया नहीं तुमने से? सर मैंने इससे पूछा भी, मैंने कहा यार क्या दुश्मनी जाती क्या तुम्हारी इसके साथ? कह रहे मैं तुझे बाद में बताऊंगा जो भी, मैं कहने तो भी बता दे। कहने नहीं मैं तुझे बाद में बताऊंगा। मोटर बाइक किसकी थी? मोटर बाइक इसके दोस्त की थी। चला कौन रहा था? जी मैं चला रहा। गन किसके पास थी? इसके पास। गन किसने चलाई? इसी ने चलाई। प्लान कब बनाया तुमने ये? बस उसी दिन प्लान बना। किसी दिन? तुम्हारी और कासिम की चपकलिस कितनी देर चली? एक मिनट। अच्छा फिर? उसमें बस बहस वगैरह उसी में हुई। डेरा कितने दूर है तो उसका? ख्वाजा सरा के घर से तुम्हारा 2 किलोमीटर। तो जाके डेरे पे क्या, वहाँ पे डांस वांस देखते थे उसका? नहीं नहीं, बस वैसे ही, और भी आदमी आते थे उधर फंक्शन बुक करवाने के लिए ऐसे वगैरह, बस सारे फ्री बैठे हुए। तो तुम्हें इतना ख्याल नहीं आया कि मैं अच्छा खासा मैं अपने वालदैन का बेटा हूँ, मैं किन चक्रों में पड़ गया हूँ? एक ख्वाजा सरा की मोहब्बत में गिरफ्तार क्यों हो गए? गिरफ्तार उसकी मोहब्बत में, बताओ। खूबसूरत लगता था तुम्हें? हाँ जी। है जी। पहली बार कब देखा तुमने उसे? उसने मुझे देखा था। उसने तुम्हें देखा, तुमने उसको देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और पसंद कर लिया। हाँ जी। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ख्वाजा सरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो? पता होगा। शाने बेनियाजी देखें, अपने वालदैन को भी ये लोग कहीं का नहीं छोड़ते। अब क्या मिल गया उस ख्वाजा सरा के लिए? एक नौजवान लड़के को मार दिया और आपने आपको भी फंसवा दिया, इसको भी फंसवा दिया। कुछ भी नहीं। तो अब क्या फिर तुम्हारी सजा क्यों होनी चाहिए? माफी हो जाए। हर मुजरिम, हर मुजरिम से जब हम बात करते हैं, जब वो बेदर्दी से सफाकी से मार डालता है किसी को, जब वो खुद किसी को माफ नहीं करता, तो जब कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं लोग, तो माफी अपने लिए माफी चाहते। ख्वाजा सरा बाली कासिम से अपनी जान छुड़वाना चाहता था और इस मकसद के लिए उसने अपने दूसरे आशिक वलीद का सहारा लिया। उसे कासिम को कत्ल करने पर उकसाने के लिए उसने वलीद को कैसे कायल किया, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। बस वो मुझे जहम बताता था। कौन? ख्वाजा सरा। क्या बताता था? तो उसने मुझे मारा है ऐसे। हाँ। तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने जाकर उसको मार दिया। इस गुस्से में जाकर तुमने उसको मार दिया? हाँ। तो तुम्हें ये खौफ नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊंगा? कत्ल करने के बाद कहाँ भागे तुम लोगों से?
घर अपने अपने घर चले गए, घर चले गए थे। जब इसने मार दिया था इसको, तो उसके बाद फिर तुम आ जाते, तुम इतने शरीफ थे, थाने में आकर बता दिया इसने बंदा मार दिया। सर मैं भी घर चला गया था, गाड़ी भी ठीक है, सुबह मैं आया हूँ। कितना आराम है, आराम से बता रहा है जी, एक बंदे का मर्डर किया, कत्ल कर दिया दोनों ने, ये सहूलतकार, ये मर्डरर, हम फिर अपने घर चले। शर्म आती है ऐसी दोस्तियों पे। आजकल के नौजवानों को क्या हो गया, ये इसका दोस्त है, वो ख्वाजा सरा का दोस्त है, ख्वाजा सरा किसी को और का दोस्त है, इसने इसके लिए बंदा मरवा दिया, उसने ख्वाजा सरा के लिए कत्ल कर दिया, हैरत है हमें। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी दोस्तियों पे। जिस ख्वाजा सरा के हुस्न के चर्चे पूरे इलाके में थे और इसके पीछे न जाने कितने नौजवान अपनी जिंदगियां बर्बाद कर चुके थे, ये वो ख्वाजा सरा था जो मेकअप करके और अपनी हरकत की वजह से नौजवानों को अपनी तरफ रागब करता था। अब जरा आप भी उसकी असल हकीकत मुलाहिजा कीजिए। तुम्हारी कासिम से दोस्ती थी? हाँ जी। कितना अरसा तुम्हारी दोस्ती रही उसके साथ? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम। कासिम तुम्हारा पहले दोस्त बना था या ये जो लड़का जिसने उसको कत्ल किया वलीद पहले बना था दोस्त? कासिम पहले दोस्त था। पैसे पहले कासिम दोस्त था। कासिम की फिर शादी होगी? शादी तो उसकी मेरी जिंदगी में काफी दफा पहले हुई थी, 8-9 साल पहले। फिर उसने अपनी शादी खत्म कर दी? वो मेरी वजह से नहीं कि ये सब झूठ। लेकिन उसकी शादी खत्म, उसकी शादी खत्म हुई कि नहीं हुई? मैंने तो नहीं खत्म करवाई ना, उनके घरेलू फैमिली तल्लुकात खराब थे। कत्ल होने से पहले तक कासिम तुम्हारे पास आता जाता था? जी। डेरे पे ही आता था? हाँ जी जी। कासिम से तुम्हारी दोस्ती को कितना अरसा हो गया उसके साथ? नहीं हो गया होगा 5-6 साल। 5-6 साल से कासिम और तुम दोनों दोस्त थे जी। वलीद बीच में से कब आया? ये 5-6 माह हो गए। अच्छा, वो 5-6 साल से दोस्त था और इसको 5-6 महीने हुए थे तुमसे दोस्ती की हुए? हाँ जी। अच्छा तुम ये देखो, वलीद तुमसे बहुत छोटा है जिसने बंदा मार दिया है जी। तो इस तरह के मामलात में यारी दोस्ती डेरों पे आना, चलो तुम लोग तो अपना काम कर रहे हो, उसको समझाते तुम 18-20 साल के बच्चे हो, जाओ अपने घर जाओ, तुम क्यों आते हो, वक्त तुम्हारे साथ क्यों बर्बाद कर रहा है? मेरी बात सुने, हमारा तो कारोबार, हमारे पास तो हजारों पागल है, मगर हम हमारा तो ये बिजनेस है। हजारों पागल, सुन लो पागलो, हमारा तो कारोबार है। इन लोगों का कारोबार है, हजारों पागलो सुन लो, अपनी आंखें खोलो, इसके पांव देखें आप, इसकी हालत देखें, इसकी शक्ल देखें, हजारों पागल हो जाते हैं इन लोगों के पीछे जब ये मेकअप करके निकलते हैं गलियों बाजारों में। ख्वाजा सरा के साथ प्यार करता था इसलिए उसको मारा कासिम। हॉलैंड में जो है वो शादी की हुई थी और उसने अपनी बीवी को छोड़कर इधर आया बाली की ख्वाजा सरा की खातर। 16-20 साल की उम्र के जो नौजवान है वो यहाँ पे आते थे। न्यू जनरेशन है वो सब इन पे आशिक हो जाते हैं, गंदी हरकतें होती हैं। बाली उसको प्रेशर कर रहा था, दोनों जुनूनी में साथ दोस्ती करते थे, वो दोनों में से प्यार करते थे। हमारा तो कार पर, हमारे पास तो हजारों पागल है। ख्वाजा सरा बाली इस बात से इनकारी था कि वलीद और कासिम इसकी मोहब्बत में एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे, लेकिन जब हमने उसे DPO गुजरात के सामने उसी का बयान याद करवाया तो उसने सच उगल दिया। सारा इलाका क्या जानता है तुम दोनों के बारे में? हाँ, कासिम और वलीद दोनों मेरे दोस्त थे, वो मेरे घर पे आते थे और दोनों जुनूनी पे मेरे साथ दोस्ती करते थे, वो दोनों में से प्यार करते थे। दोनों इससे प्यार करते थे, खुद बता रहा है ये जी कि इसके इसको पसंद करते थे वो दोनों। टीम जुर्म बेनकाब से बात करते हुए ये ख्वाजा सरा अपना एक एक गुनाह कबूल कर चुका था और इसका जुर्म अया हो चुका था। उसकी अपनी जुनूनी आशिक से बात आखिरी बार कब हुई और क्या हुई, ये इंकशाफ भी हैरान कन था। कासिम तुम्हें आखिरी बार कब मिलके गया? कत्ल होने से कितना अरसा पहले मिलके गया? एक दिन पहले। क्या क्या किया था? कुछ भी नहीं, वैसे ही आया था, मगरब के टाइम पे आया था जैसे, और थोड़ी देर मिला, हमने फंक्शन पे जाना था गाड़ी लेके और मिलके चला गया। कत्ल होने से एक दिन पहले मिला था? हाँ जी। क्या बातें हुई थी तुम दोनों? मेरी तरफ देखो। कुछ भी नहीं, बस मेरे साथ जैसे बस ठीक है, मैं कहते बाली में जा रहा हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है अल्लाह हाफिज़, मिल के चला गया। कहते फंक्शन पे जाना, मैंने कहा हाँ जी,
चलो ठीक है। क्या बात हुई थी विलीत के साथ तुम्हारी? मुझे ना जब डॉक्टर उसने बताया, तुम्हारी आवाज लड़खड़ा रही है, सच बोलो। मैंने ना, मुझे ऐसे पता चला तो मैंने इसे फोन किया, मैंने कहा, मैं ना रो के मैंने कॉल किया, मैंने कहा यार आपको पता चला ऐसे हो गया? कहते नहीं यार मुझे तो नहीं पता चला। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कॉल बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे इसने खुद कॉल किया, कहता आपको पता है? नहीं, कहता है हाँ ये सच है, ऐसे हुआ है या नहीं हुआ? मैंने कहा यार मुझे पता चला ऐसे हो गया। उसके बाद फिर मेरी उसके साथ कोई बातचीत नहीं हुई कोई किसी किस्म की भी। फिर बाद में ना जब मुझे शहर के सारे लोगों ने फोन किया ऐसे हो गया ऐसे हो गया, फिर मैं उसी वक्त जा, क्या फोन किए लोगों ने? कहते कासिम के साथ ऐसे हो गया। किसने किया? वो पहले मेरे ड्राइवर ने कॉल किया, उसके बाद वो मोहल्लेदार लड़के हैं उनके, उन्होंने मुझे फोन किया, फिर मैंने इसके अबू को कॉल किया। तुम्हारी और वलीद की फोन पे बातें नहीं होती थी? नहीं, मेरे नंबर पे नहीं, कभी कभी होती थी, मेरे नंबर पे नहीं है, किसी पे गेम नंबर पे नहीं, कभी कभी होती थी कॉल। क्या कॉल करते थे? वैसे ही कभी कभार होती थी, हाल चाल पूछने का और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे प्यास की वजह से। इन लोगों की टेलीफोनिकली डिस्कशंस होती थी, वलीद भी उसको जाके मिलता था, कासिम मना करता था क्योंकि वो 6 साल से इसका दोस्त था जो कि इसने बता दिया। और वलीद कब से दोस्त था तुम्हारा? 5-6 माह से। 5-6 माह से। जब एक आशिक या एक मोहब्बत करने वाला और बेवकूफ आदमी था वो भी, और जो ऐसे लोगों को इस हद तक चले जाते, सब बेवकूफ हैं अपने इस प्रोग्राम में, उनसे हम गुजारिश करेंगे खुदा रहा अपने आप पर रहम करें, इन लोगों का कुछ नहीं जाना। मर गया एक लड़का और एक अब फांसी के कटहरे पर चढ़ जाएगा। जो अच्छे खासे लड़के हैं वो ख्वाजा सराफ बनने के चक्करों में ऐसे लोगों के स्टूडेंट बन जाते हैं। तुमने MSc की हुई है इसमें? मैंने MSc कुछ भी नहीं किया। जो मेरा ख्वाजा सरा चेला वो हकीकत में ख्वाजा सरा है, वो सानिया मिर्जा, इधर मेरी एक स्टूडेंट गुड़ी है वो भी। तो क्या स्टूडेंट है, क्या पढ़ाते हो तुम? लोगों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं ये पढ़ाते हो तुम लोग? मैंने किसी को कोई बर्बाद नहीं किया। इलाके के लोगों ने हमें बताया कि कुछ तुम्हारे 3-4 ऐसे चेले वो इतना गलत लिबास पहन के इलाके में निकलते हैं कि बच्चे औरतें तक शर्मा जाती हैं। मेरे घर पे 4 चेले वगैरह है ही नहीं, और भी शहर में ख्वाजा सरा रहते हैं, मेरा अकेले का कोई घर तो नहीं, मैं सब फंक्शन करते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं। यही वजह सिर्फ फंक्शन करते हैं तो इसलिए लोग जुनूनी हो रहे हैं तुम्हारे पीछे? क्यों जुनूनी हो रहे हैं, इसकी वजह तुमने कभी जानी है? ये वजह ना तुम बताओगे, ना तुम बयान करोगे, ना हकीकत तुम लोगों को बताओगे, ना बता सकते हो। जुनूनी हो जाते हैं लोग तुम लोगों के पीछे, क्यों होते हैं जुनूनी ये लोग? खुद बोल के बताया इसने, इसलिए कि एक तो उनकी अपनी नापुख्तगी है दिमाग की, और उसके बाद फिर जो इस तरह के हालात सामने आते हैं। ख्वाजा सराओं के रूप में चंद ऐसे अनासर जो मुआशरे में फहाशी और बेरारवी फैलाते हैं और मेकअप करके और फहाश कपड़े पहनकर नौजवानों को अपनी तरफ रागब करते हैं, वो नाम भी ऐसे रखते हैं जिससे उनकी तरफ माइल हो। कितने स्टूडेंट है तुम्हारे? मेरे गुजरात में सानिया मिर्जा और एक शहर में इधर जापानी गुड़िया है, बस 2 स्टूडेंट हैं। जापानी गुड़िया कहाँ की है? वो झेलम शहर की है। इनका नाम सुन के यकीन माने इस वक्त बंदा हंसे के रोए। जापानी गुड़िया, नीलम शहजादी, बिलाल उर्फ बाली, दिमाग खराब कर दिया है। हम सब ख्वाजा सराओं को गलत नहीं कहते। इस केस के सारे पहलू बेनकाब करने के बाद टीम जुर्म बेनकाब ने रुख किया TPO ऑफिस गुजरात का, और बात की TPO गुजरात सईद अली मोहसिन से, जिनके अहकामात पर जिला गुजरात और खारिया की पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। ये इंसिडेंट जो है ब्लाइंड मर्डर का, ये 1 दिसंबर और 2 दिसंबर की दरमियानी रात, यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को खारिया के एक तजारती मरकज़ में पेश आया, जिसमें पुलिस को एक कासिम नामी ताजर की डेड बॉडी मिली, जिसकी कमर पे 4 गोलियां लगी हुई थी तकरीबन 50 मीटर्स की रेंज से। इट वाज अ क्लोज फायर, और वो उन जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पे हलाक हो गया। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा मुहिमा था और ब्लाइंड मर्डर था, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस मर्डर की वजह से खारिया के तमाम ताजर कम्युनिटी में तशवीश की लहर दौड़ गई थी और उनमें शदीद गम गुस्सा भी पाया जाता था। तो पुलिस ने इसके लिए सबसे पहले CC फुटेज जो है हासिल की, जो हमारे मार्केट्स में कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन वो कोई इतनी क्लियर नहीं थी। फिर पुलिस ने अपना मुखबरी का लोकल नेटवर्क जो है उसको यूज़ किया, और उसमें वहाँ की लोकल जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसमें भी पुलिस को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया, एंड विद इन फ्यू आवर्स पुलिस जो है असल कातलों तक पहुँच गई। तो इसमें जो इसकी बैकग्राउंड है वो ये है कि खारिया के इलाके में गुलियाना रोड पे एक ट्रांसजेंडर रहता है जिसका नाम बिलाल है।
بلال کے مقتول قاسم بٹ کے ساتھ پرانے تعلقات تھے. بعد میں قاسم بٹ کی شادی ہو گئی. جب قاسم کی شادی ہو گئی تو پھر یہ جو ٹرانسجینڈر ہے بلال, اس کے تعلقات ولید نامی ایک اور تاجر کے ساتھ استوار ہو گئے. ٹرانسجینڈر ولید کو یہ کہتا تھا کہ میرے جو سابقہ آشنا ہیں قاسم بٹ, وہ مجھے تمہارے ساتھ تعلقات ختم کرنے پہ منع کرتے ہیں اور مجھ پہ تشدد بھی کرتے ہیں. ٹرانسجینڈر کی یہ بات سن کے ولید کو تیش آ گیا. اس نے اپنے ایک اور دوست جس کا نام عمران ہے, جس کا تعلق تحصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ سے ہے, اس کو ساتھ لیا اور انہوں نے پلاننگ کی کہ کس وقت قاسم دکان بند کر کے رات کو گھر جانے لگے گا. جب قاسم دکان بند کر کے گھر جانے لگا رات کے تقریباً 9-10 بجے, تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے اس پہ فائرنگ کی. فائرنگ ولید نہیں کی لیکن عمران اس کے ساتھ تھا, پلاننگ میں اور موقع میں بھی موجود تھا, جس کی وجہ سے قاسم کو انہوں نے مرڈر کر دیا. اچھا, یہ جو خواجہ سرا بالی ہے, اس نے کیا کیا بتایا پولیس کو, کیا بیان دیا اس نے؟ خواجہ سرا نے تو یہی بیان دیا ہے کہ میرے سابقہ تعلقات تھے مقتول کے ساتھ, شادی کے بعد پھر میرے ولید کے ساتھ تعلقات ہو گئے. تو قاسم مجھے کہتا تھا کہ تم ولید کے ساتھ اپنا ڈسکنیکٹ کرو, لیکن مجھے ولید سے بہت محبت تھی, ولید کو مجھ سے بہت محبت تھی, بس وہی محبت جو ہے وہ بعد میں تیش میں بدل گئی, جس کی وجہ سے یہ مرڈر ہوا. اچھا, یہاں پر ڈی پی صاحب یہ بتائیں کہ اب کس حد تک اب مزید جو وجہ بنی وہ آپ نے بتا دیا کہ وہ خواجہ سرا بالی کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے, اب کس طریقے سے اس کو مزید انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے کہ سزا کس حد تک, اور جو جنہوں نے مرڈر کیا ہے ان لوگوں کو کس حد تک جو ہے مزید جو ہے اس میں انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے؟ اس میں ایک تو جو سٹیٹمنٹ آ گئی ہے ٹرانسجینڈر کی, وہ بھی ایک ایویڈنس ہے. پھر ملزمان نے کنفیشن بھی کر لیا ہے. پھر سی سی فوٹیج بھی ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے. اس میں پھر آلہ قتل بھی برآمد ہو گیا ہے. کرائم شیلز جو ہیں وہ بھی سین آف کرائم سے کلیکٹ ہو گئے تھے. اٹاپسی رپورٹ جو ہے وہ بھی آ جائے گی. تو یہ ساری اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں جن کی بیس پہ انشاءاللہ یہ مقدمہ جو ہے چلان بھی ہوگا اور ملزمان کو کنوکشن بھی ہوگی. تین جرم بے نقاب کا قاسم اور ولید کا خواجہ سرا بالی کے ساتھ جنونی عشق, اور اس غیر فطری عشق میں ہونے والے جرم کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ خواجہ سراؤں کے روپ میں 5 ایسے عناصر کی حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے جو فحاشی کے اڈے چلا کر نوجوانوں کو بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں نہ جانے کن کن بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں. نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں سے دور رکھیں. والدین کو بھی اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے, اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہو کر اپنی اور اپنے خاندان والوں کی زندگیاں برباد نہ کریں, اور کہیں ان کا بھی انجام قاسم اور ولید جیسا نہ ہو جائے.